सारंगी, अपराजिता जी, आंकड़े आपके पक्ष में हैं राज्यसभा में, लेकिन बमुश्किल, बहुत मामूली सी मेजोरिटी है आपके पास राज्यसभा में। अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो गया और राज्यसभा के सभापति के खिलाफ यह अविश्वास प्रस्ताव फंस गया कहीं, तो कितनी शर्मिंदगी होगी अपराजिता जी आपके लिए। आप सबको मेरा नमस्कार, बहुत दिनों बाद आप सबसे जुड़ी हूं, बड़ा अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो कहना चाहूंगी कि जॉर्ज सोरोस के साथ कांग्रेस के नेतृत्व के रिश्ते को हम क्या नाम दें, और कांग्रेस का हाथ जॉर्ज सोरोस के साथ। ये जो आपने देखा संविधान के 67 ब के तहत अविश्वास प्रस्ताव आदरणीय धनखड़ जी के विरुद्ध में पारित किया गया या फिर टेबल किया गया, मैं आपको बताना चाहूंगी कि यह सब अंग्रेजी में इसे कहा जाता है डाइवर्शनरी टैक्टिक्स। लोकसभा में और लोकसभा के बाहर, राज्यसभा में और राज्यसभा के बाहर, हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए के जितने भी दल हैं, हम सब ने कुछ प्रश्न रखे कांग्रेस के समक्ष। 10 प्रश्न लोकसभा के अंदर भी रखे गए, 3 प्रश्न होते होते हंगामा शुरू हो गया क्योंकि हमने जॉर्ज सोरोस की बात कह दी, और उसी तरह के प्रश्न राज्यसभा के अंदर और बाहर भी रखे गए थे। और आप देखें कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, ये क्यों लाया गया, ये जानते हैं कि जॉर्ज सोरोस के विषय में जो हमने जो 3 प्रश्न किए और 7 प्रश्न करने बाकी थे, उन्हें सुनने का इनके पास उनकी हिम्मत नहीं थी। वो जानते हैं कि उन्होंने गलती की है। ये जो जितने भी रिपोर्ट्स आते हैं, मैं आपको तथ्य देना चाहती हूं, आप जरा सा धैर्य के साथ, संयम के साथ कुछ तथ्य देखें। मैं सांसद हूं, दूसरी बार की सांसद हूं, बार बार जब भी संसद का सत्र होता है तो कुछ कारनामे कांग्रेस की तरफ से और कांग्रेस के बंधुओं की तरफ से किए जाते हैं। किसानों से संबंधित रिपोर्ट 3 फरवरी 2021 को आई थी, जबकि भारतीय संसद का सत्र 29 जनवरी 2021 को था, मैं संसद के अंदर थी। पेगासस रिपोर्ट 18 जुलाई 2021 को आई, जबकि संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई 2021 को था। हिंडनबर्ग रिपोर्ट 24 जनवरी 2023 को आई, जब संसद का बजट सत्र 30 जनवरी 2023 को था। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री 17 जनवरी 2023 को आई, जबकि संसद का सत्र 30 जनवरी 2023 से शुरू हुआ था। मणिपुर का वीडियो मैं बताना चाहूंगी, मणिपुर का वीडियो 19 जुलाई 2023 को रिलीज हुआ, जबकि संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई 2023 को शुरू हुआ था। मेरे पास इस तरह के अनगिनत तथ्य हैं। अगर रखने लगूं तो हो सकता है ये जो हमारा टीवी डिबेट है, सीधे सीधे कहिए ना अपराजिता जी, सीधे सीधे कहिए कि अमेरिका में अदानी का मुद्दा जॉर्ज सोरोस के जरिए कांग्रेस ने उठवाया है संसद सत्र से पहले। आपने इतने सारे जो एग्जाम्पल गिनवाए, यही तो आरोप है ना आपका? देख, बिल्कुल, मैं कहना चाहती हूं, मैं आपको बता दूं, मैं आपको कहना चाह रही थी, 10 मई 2024 को वैक्सीन से संबंधित रिपोर्ट आई, जबकि भारत में लोकसभा चुनाव चल रहे थे। अगस्त 2024 में सेबी के अध्यक्ष के खिलाफ रिपोर्ट आई, और हाल ही में 25 नवंबर से भारत का संसद सत्र शुरू होने वाला था, लेकिन 20 नवंबर को यूएस में एक रिपोर्ट जारी की गई। मैं यह कहना चाहती हूं कि यह सब संयोग नहीं है, यह इत्तफाक नहीं है, यह सोची समझी साजिश है। जॉर्ज सोरो के फाउंडेशन से सोनिया गांधी जी का की जो संस्था है वो पैसा लेती थी, आर्थिक सहयोग लेती थी, और इसकी वजह से अब जब ये 10 प्रश्न करने की कोशिश अपराजिता जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है, तो ये आनाकानी कर रहे हैं, उत्तर देना नहीं चाह रहे। आपने अदानी मुद्दे पर बहस को, आप लोग तैयार नहीं हुए ना, तो इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस ने ये कह दिया, ठीक है, मत आप अदानी पर बहस करवाइए, बाकी काम हम चलने देते हैं, होने देते हैं, तो फिर आप क्यों जॉर्ज सोरोस का मुद्दा संसद के अंदर उठा रहे हैं? आप भी तो बिना सहमति के वो मुद्दा उठा रहे हैं ना। मैं आपको आंखों देखा हाल कह रही हूं, निशिकांत दुबे जी ने 0 आवर में 10 प्रश्न उठाने की बात कही, उन्हें
लोकसभा के स्पीकर साहब ने अनुमति दी, उनका मैं कहूं उनका उनका राइट है, उनका अधिकार है उन प्रश्नों को रखना जीरो आवर के समय। तीन प्रश्न होते होते ऐसा हंगामा हुआ कि उसके बाद मुझे लगता है कि जितने भी कांग्रेस के नेतागण थे लोकसभा के अंदर, उन्होंने बहुत ही मैं कहूँ शोर शराबे के साथ वो वॉकआउट कर गए। पहले तो हंगामा किया, फिर वॉकआउट कर गए, और उसके बाद से उस दिन से आज तक 15 बिल जो पास होने हैं वो 15 बिल पास होने नहीं दे रहे हैं। तो देखिए, हम जैसे सांसद, हम आते हैं संसद में क्यों, राज्यसभा अच्छा, जी ओके हो, संसद नहीं चल पा रही है, उसमें किसकी जिम्मेदारी है ये अलग बहस है जी। दूसरा मुझे ये बताइए ना, जो मेरा ओरिजिनल पहला सवाल था, आपका जो बहुमत है राज्यसभा में बहुत मामूली बहुमत है अपराजिता जी, अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो गया तो धनखड़ जी को कैसे बचा पाएंगे आप? नहीं देखिए ऐसा है कि आदरणीय धनखड़ जी नो नॉनसेंस सभापति हैं। अगर कोई एक व्यक्ति जो भी जिस दल का भी हो वो सदस्य या सदस्य, अगर वो कुर्सी पर चढ़ के चिल्लाना शुरू कर दे तो निश्चित तौर पर उनका यह दायित्व है, उनका यह कर्तव्य है कि उसे मना करेंगे। और आप ऐसा करें, देखिए ऐसा है कि सारे जितने डिबेट्स, सारी जितनी स्पीचेस, वो सारे रिकॉर्डेड हैं राज्यसभा में भी लोकसभा में भी, और जितने भी प्रोसीडिंग्स होते हैं वो सारे रिकॉर्डेड हैं। आप देख लें, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, यहाँ आदरणीय ओम बिरला जी अन्य अध्यक्षगण, और इधर हमारे राज्यसभा के अध्यक्ष, ये सारे लोगों ने सारे सदस्यों को ठीक समुचित समय दिया है अपनी बातों को रखने का। कभी भी पात्रांतर अच्छा, या पक्षपात की नीति का अवलंबन नहीं किया गया है। ओके, ऑल राइट। और अगर धनखड़ जी अपने नो नॉनसेंस अप्रोच से अगर यहाँ शांति या अनुशासन लाने की चेष्टा करते हैं तो गलत। ठीक है, ओके, ऑल राइट।